नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूँ प्रश्नवारी। शनिवार को रायपुर के प्रमुख स्थानों से होकर गणेश विसर्जन की झांकियां निकलेंगी, लेकिन झांकी निकलने से एक दिन पहले विवाद की स्थिति भी निर्मित हो गई है। दरअसल पूर्व मंत्री राजेश मूरत और उनकी समिति झांकी का स्वागत करने के लिए जयस्तंभ चौक के पास पंडाल लगाती है, लेकिन इस मरतबा जयस्तंभ चौक के पास पंडाल लगाने की अनुमति उनको नहीं मिली है। इधर अनुमति नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री राजेश मूरत अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। मूरत ने कलेक्टर से मुलाकात कर इसको लेकर खासी नाराजगी जाहिर की है। वहीं अगर शाम 5 बजे तक पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो भाजपा इसका विरोध भी करेगी। मूरत ने कहा है कि रायपुर शहर की जो परंपरा चली आ रही है, छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद जो लगातार जो गणेश विसर्जन होता आया है, उन झांकियों का सम्मान अभिनंदन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम चलते आ रहा है। कल हमने आग्रह किया, परसों आग्रह किया, अभी कलेक्टर को ज्ञापन देना है, कलेक्टर से आग्रह करना है, पूछना है कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है, क्या वहां पर पंडाल लग रहा है, इसके पहले लगा तो कोई ट्रैफिक के अंदर डिस्टर्ब किया, हमने किसी चीज को डिस्टर्ब किया, कहीं कुछ किया हो तो या तो आप वो बता दो। लोकल प्रशासन है, सब कुछ है, सब लोग हैं वहाँ, पूरे मीडिया को जानकारी सबको है कि हम लोग हर साल पंडाल लगाते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि आपने हमारे पंडाल को आज तक स्वीकृति नहीं दे रहे। अभी जब आज पहले भी हम जब बीजेपी की सरकार थी तब भी हम पहले आवेदन लगाते थे, क्योंकि सरकार उनकी थी, प्रशासन उनका था, प्रशासन का दबाव डलाकर हम लोगों को वहां परमिशन नहीं मिलता था और ये बोल दिया जाता था कि पहले परमिशन उन लोग लगाए हैं और उनको परमिशन दे दिया जाता था। अब जब हमने पहले परमिशन लगा दिया तो उस परमिशन लगाने के बाद अब उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों दर्द हो रहा है, उनका परमिशन, उन लोगों ने आवेदन बाद में लगाया, हमने पहले आवेदन लगाया था। जबकि दादागिरी और धार्मिक भावनाओं से हम लोगों को दूर रखने के लिए आम आदमी उस पर स्वागत सत्कार मत कर सके, अपना एक अधिकार रहे, इसलिए वो लोग जिस रूट पर वो लोग लगाते थे उसी से झांकी जाती थी। शनिवार को रायपुर के प्रमुख स्थानों से होकर गणेश विसर्जन की झांकियां निकलेंगी, लेकिन झांकी निकलने से एक दिन पहले विवाद की स्थिति बन गई है। दरअसल पूर्व मंत्री राजेश मूरत और उनकी समिति झांकी का स्वागत करने के लिए जयस्तंभ चौक के पास पंडाल लगाती है, लेकिन इस मरतबा जयस्तंभ चौक के पास पंडाल लगाने की अनुमति उनकी समिति को नहीं मिली है। तो यहाँ पे राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये आरोप भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा है। तो जयस्तंभ चौक पर लगने वाले पंडाल को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। वहीं आपने कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय को सुना कि जब 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन था, प्रशासन था, सत्ता चल रही थी, तो उनको अनुमति नहीं मिला करती थी और इस बार राजेश मूरत को नहीं मिली। राजेश मूरत ने कहा कि आज यानी कि शुक्रवार को शाम 5 बजे तक अगर उनको अनुमति नहीं मिलती तो आगे प्रदर्शन किया जाएगा, हल्ला बोल किया जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से अब ऑब्जेक्शन यहाँ पे राजेश मूरत के द्वारा उठाया जाता है, क्योंकि राजनीतिकरण करने का आरोप तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगाती आ रही हैं। तो मूरत समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे परमिशन के लिए, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली, कलेक्टर से शिकायत की गई है। तो परमिशन नहीं मिलने से खासे नाराज बताए जाते हैं, कह रहे हैं कि लंबे वक्त से हम ही पंडाल लगाते आए हैं और हमें
इस बार परमेश्वर नहीं मिली। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। तारुफ आपका करवा देते, किरणमयी नायक है, कांग्रेस प्रवक्ता है। किरणमयी जी बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। किरणमयी नायक जी, जैसा मेरे आरोप नहीं है, भाजपा के आरोप है, और आपने बाइट भी सुनी होगी कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, और क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुई है और सत्ता पे काबिज होने के बाद कांग्रेस ने कांग्रेस है इस वजह से वो 15 सालों का बदला निकाल रही है, तो परमिशन नहीं दी पंडाल लगाने की। देखिए गौरी जी, यहाँ पर जो मुद्दे की बात है उसको पूर्व मंत्री जी बता नहीं रहे हैं कि वो कलेक्ट्रेट में जो आवेदन करना चाहिए था, एसपी के पास जो नियमानुसार आवेदन करना चाहिए था, उस आवेदन में वो देर कर गए और जो आवेदन पहले करता है उसको अनुमति दी जाती है। क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, उसके मुताबिक 3 सितंबर को विकास उपाध्याय जी ने विधिवत अनुमति के लिए आवेदन दिया था। हाँ। और उनकी उस आवेदन पर उनको अनुमति दी गई है। और राजेश मूणत जी जो पूर्व मंत्री है, उनकी तरफ से शायद अभी कुछ दिन पहले आवेदन दिया गया है, और वो अब दबाव बना रहे हैं कि हमको उस आवेदन पर, उनके आवेदन पर दिया जाए। मुझे लगता है कि अभी तक राजेश मूणत जी ये भूल नहीं पाए हैं कि अब वो मंत्री नहीं रहे, अब वो मात्र पूर्व मंत्री हैं, और अब वो प्रशासन को डरा धमका करके और अपना बल प्रयोग दिखा करके अपनी तानाशाही रवैया दिखाने की कोशिश पात्र है। हकीकत यह है कि जिस जगह पर जयस्तंभ चौक पर लगाते थे, ये कह रहे हैं 15 साल तक किया, ठीक है, 15 साल तक आपकी सरकार भी थी, पर अब आपकी सरकार नहीं है। ऐसे में तो आप कह सकते हैं भाई, मैं 15 साल तक के सीटू बंगले में रहा। हाँ। और उस बंगले पे मेरा अधिकार है, तो मंत्री है। नहीं रह सकते हैं। हाँ। तो ये तो जायज नहीं है ना। अच्छा, तो इसके साथ एक दूसरी बात यह है मैडम कि लगभग 2 साल पहले से दोनों मंत्रियों, जो शहर के दोनों पूर्व मंत्री थे, इन लोगों की दादागिरी इस तरीके से चली कि बाईं ओर से जब ये गणेश विसर्जन का जुलूस निकलता था तो उस तरफ पर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के ये मंत्री और एक विधायक और उनके साथ में पूर्व मंत्री लगभग 3 या 4 से ज्यादा लोगों को पंडाल की अनुमति ये देते ही नहीं थे मांगने के बाद, न सब्जी व्यापारी संघ को, न वहाँ पे गोल बाजार व्यापारी संघ को, इन सबको दाईं तरफ लगाने की अनुमति दी जाती थी। और ये पंडाल लगाए क्यों जाते हैं? पंडाल इसलिए लगाए जाते हैं कि जब गणेश जी की झांकी निकलती है तो उस पर ये समिति के लोग पुष्प वर्षा करके वहाँ से निकलने वाले जुलूस में निकलने वाले और भगवान जी सबके ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। परंतु दाईं तरफ उनको परमिशन देने से होता ये था कि उनको रोड पार करके हर झांकी के लिए पैदल आना पड़ता था, और वही ये लोग खिल्ली उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और सामने वालों को नीचा दिखाने के सारे हथकंडे अपनाते थे, और ये लोग अपने मंच पर, बाईं तरफ मंच पर खड़े होकर के जुलूस का स्वागत करते थे ताकि हर जगह फोटो और इनके आधिकारिक रूप से समाचार में ये लोग आगे आए और बाकी लोगों के बारे में कोई जानकारी किसी को ना होने पाए। तो ये एक्चुअल में राजनीतिकरण इन लोगों ने 15 साल तक भरपूर किया है, और उसके चक्कर में ये नियम कायदे का उपयोग करना भूल गए हैं। पहले जब बोल देते थे तब आदेश बन गया करता था, पर अब माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में नियम कायदे से सरकार चल रही है, तो जिसने आवेदन पहले किया उसको परमिशन मिल गई, तो उसमें इनको तकलीफ क्यों हो रही है? बिल्कुल, वाकई में क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से भी गेस्ट जुड़े तो हम उनसे भी पूछे कि भाई आखिर क्या वजह है। बाबूलाल शर्मा जी, पहले आओ पहले पाओ, मतलब अब तो भगवान के मामले में अब वही चीज हो गई है कि मतलब लॉटरी सिस्टम, पहले जो पहले आएगा उसको ही पहले मतलब इनाम मिलेगा। पहले 15 साल में वैसा नहीं हुआ, जो पहले कई बार जो है विकास उपाध्याय ने भी हम लोगों को उस समय कहा था कि हमने आवेदन लगाया था हमको नहीं मिला। और ये सच है कि 15 साल जो है वो एक तरफा जो है इन लोगों ने अच्छा ये मंच बना करके जो है स्वागत सत्कार किया और पब्लिसिटी भी खूब ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल वो नहीं, सवाल ये पावर गेम, 15 साल पावर गेम चला था जो हमारी जानकारी में है, और निश्चित रूप से कोई भी जब पावर में होता है तो वो पावर गेम खेलता है, उसमें कोई बुराई नहीं दिखती है, क्योंकि जिसकी ताकत होगी, जिसकी सत्ता होगी,
उसकी चलेगी, प्रशासन पर उसी की चलेगी। आज दर्द क्यों है ये महत्वपूर्ण है। आज जब वो सत्ता में हैं और वो सत्ता से बात कर रहे हैं और सत्ता की तरफ अगर परमिशन मिली है तो इसमें नाराजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात राजेश मूर्त की मुझे जरूर लगी कि मन में लगने वाली बात तो होती है कि जब आप लंबे समय तक कहीं अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं 15 साल से और वो अचानक जो है वो क्रम टूटे तो उनका जो संपर्क सूत्र टूटता है, जो उनका जो एक तरीका था वो टूटता है तो आदमी के दिल में थोड़ा सा दर्द तो होता है। वही दर्द मूर्त जी के दिल में दिख रहा है मुझे कि इस बार जो है हम नहीं कर पाएंगे, तो उस दर्द की वजह से जो वो अपना जो आक्रोश है इस तरीके से निकाल रहे हैं। लेकिन ये उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि अब सत्ता जो है निश्चित रूप से कांग्रेस की है और प्रशासन जो है वो कांग्रेस के लोगों के नाम, लोगों की बातों को ही स्वीकार करेगा। और जब उन्होंने कहा है, विकास ने खुलेआम इस बात का बयान दिया है कि वो 3 सितंबर को दे चुका है आवेदन, उसके आधार पर मुझे मिला है, पहले कभी नहीं मिला करता था, तो इतना स्वीकार कर लेना चाहिए और कहीं आसपास में और कहीं दूसरी जगह मांग लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ विवाद करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस वक्त हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी, इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। मूणत जी, आपने कहा था कि आज शाम 5 बजे तक अगर परमिशन नहीं मिली तो अंजाम भुगतने होंगे, और ये रूल शायद आपकी ही सरकार में और आपके ही उस वक्त जो तत्कालीन जिला प्रशासन था उस वक्त बना था कि पहले आओ और पहले परमिशन पाओ। तो विकास उपाध्याय 3 तारीख को परमिशन के लिए लेटर लिख चुके थे, आपका नहीं पहुंचा, परमिशन उनको मिल गई। जो सीक्वेंस और जो मतलब कानूनी सम्मत से जो काम हुआ है, फिर आपको दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इस विषय को आपने रखा। पूर्व महापौर श्रीमती किरण बाई जी ने अपनी बात कही। समाज के अंदर चौथे स्तंभ के रूप में माननीय बाबूलाल जी, उन्होंने अपनी बात कही। पहले जो कंफ्यूजन है उसको क्रिएट खत्म कर दू। मैंने 5 तारीख को एक आवेदन दिया, आवेदन जाता है एडीएम के यहाँ, जो एडीएम परमिशन देता है। मैंने एडीएम के यहाँ आवेदन मेरी संस्था ने, रायपुर प्रोत्साहन समिति ने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद में लगातार उनसे मिले, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको दे रहे, अभी तक किसी को परमिशन नहीं दी है, आपका परीक्षण के लिए यहाँ एसपी ऑफिस गया। ठीक, परमिशन देता है एडीएम। अगर एडीएम के यहाँ कोई और आवेदन था तो एडीएम बोल सकता था मेरे को भी कि सब वहाँ 3-4 आवेदन और आए हैं और हम उसके ऊपर जिसको देना है। आज सुबह अभी किरण जी ने कहा कि 3 तारीख को, और उनको जो एसपी के यहाँ की परमिशन और एसपी और कलेक्टर साहब भी मिलकर के आया तो मेरे को बताएगा 28 तारीख। दूसरा, पक्ष और विपक्ष रायपुर शहर में गणेश प्रतिमा का सम्मान करने, उनकी पूजा अर्चना करने, निकलने वाली रैली के अंदर सम्मिलित होने, उनका स्वागत करने हम सब लोग सालों साल से कर रहे हैं। यह राज्य बनने में मानी जोगी जी के समय से हम लोग कर रहे हैं, और जोगी जी के समय भी ऐसा कहीं नहीं था कि पहले आओ पहले पाओ। सब लोगों ने मिल करके हर राजनीतिक दल अपना पंडाल लगाता था और वहां उसका स्वागत सत्कार करता था, है ना। हम भी अपना पंडाल लगाए, हमने कभी ये नहीं कहा। अब आज एक नया इश्यू निकला, किसी के मन से किसी की बात मनगढ़ंत, हमारा कोई दिल दूर तक किसी के प्रति द्वाद्वेष नहीं है। अगर उनका पंडाल लगता है तो भी हमें कोई स्वागत नहीं, लेकिन प्रशासन को बताने में संकोच किस बात का था। अगर ये बता देते कि भाई यहाँ हम इसको पंडाल लगाने की परमिशन दे दी, आपको नहीं दे सकते, आप मेरे को बुलाए, सुबह में गया, आप बैठे बात किए, आप बोल रहे कि दोपहर में साहब 2 बजे तक निर्णय कर देंगे, कलेक्टर ने कहा 2 बजे, ठीक है साहब आप भी लगा लीजिए, आप भी लगा लें, दोनों कोई तकलीफ नहीं। इस पार्ट पे पहुंच गए, देख लिया आपने, देखने के बाद में फिर 3:30-4 बजे आप कहते नहीं साहब वहां तो सीएम आने वाला है इसलिए हम आपको परमिशन नहीं देंगे। 17 साल से पंडाल लगा रहे, डॉक्टर रमन सिंह जी भी आए तो उसके आसपास, माननीय विकास उपाध्याय जी ठीक है आज लोकतंत्र में जीत करके आए, सरकार उनकी स्वागत है। सवाल इसका सरकार का नहीं है, सरकार इस सवाल इस बात का है कि अगर स्वागत सत्कार करने में भी राजनीति होने लग गई। मेरे पंडाल के सामने विकास उपाध्याय जी के 2 बार पंडाल लगा, प्रमोद दुबे जी हमारे सामने लगे, मेरे पास तो प्रमोद दुबे जी भी मेरे मंच पे आए, महापौर के रूप में खड़े हुए, मेरे यहाँ पर पूर्व विधायक रहे हैं, आज वर्तमान में फिर विधायक है कुलदीप जुनेजी, वो भी आए। सवाल हम लोग को वहाँ राजनीति करने के लिए नहीं,
बिल्कुल हम जो करते हैं, और इसलिए मेरा इतना निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी अगर ये लोकल प्रशासन ये व्यवस्था नहीं करता है तो लोकल प्रशासन में दोनों की चिंता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, स्वागत है, क्योंकि वो भी छत्तीसगढ़ की जनता के मुख्यमंत्री है, अगर वो उसका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन अगर एक राजनीतिक दल के नेता का पहले से पंडाल लगा हुआ है, उसको हटा करके दूसरा पंडाल स्थापित करना, ये बदलापुर की राजनीति नहीं है तो क्या? ठीक, पूछ लेते हैं किरण जी से, पूछ लेते हैं किरण जी, बदलापुर की राजनीति का आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है, और अगर बाकी में जिला प्रशासन के लेवल पे जो कॉन्ट्राडिक्ट की स्थिति क्रिएट हुई है उसको क्लियर करना चाहिए था। अगर 5 तारीख को राजेश मूरत जी जा रहे हैं, 3 तारीख को विकास उपाध्याय ने एप्लीकेशन दे दिया था, तो भाई ये जिला प्रशासन को, एसडीएम को, एजीएम को, इन तमाम लोगों को और जिले के कप्तान को इस स्थिति को क्लियर करना चाहिए था कि भैया हमारे पास पहले से ही ये तमाम आवेदन है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट तो हुआ है। गौरी जी, जिस तरीके से बात पहला उन्होंने कहा कि बदलापुर की राजनीति, तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज केवल इसे एक डायलॉग के अलावा कुछ बोलने को बचा नहीं है। जनता ने पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया है 15 साल की सत्ता वालों को 15 सीट पर ला करके, इसलिए अब इनको कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। सरकार के काम इतने अच्छे हैं कि उसमें कोई आलोचना निकाल नहीं सकते हैं, तो अब धार्मिक मामले में ये राजनीति करके उसको डिस्प्यूट क्रिएट करके पूरे शहर का, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की एक साजिश और षड्यंत्र है। ठीक, सीधा सीधा मेरा ये कहना है कि आपको एडीएम के पास आप गए थे, उसने नहीं बताया, तो आप इस मामले को इतना लंबा तूल दे करके खींच रहे हैं। आप शायद भूल गए हैं कि आपने पिछले 15 साल में शायद इसी तरीके से किया था, आप एडीएम को नहीं बताने देते थे, जब 2-2 महीने पहले से वहाँ पर आवेदन लगता था, तब आपने पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी भी नहीं बनाई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जस्ट हम चौक का जो क्षेत्र है उसका पट्टा आपके नाम पे लिख गया है, वहाँ पर कोई आदमी आ नहीं सकता, ऐसी तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। कल को आप तो जाकर के कह सकते हैं भाई मंत्रालय में जो पीडब्ल्यूडी मंत्री का जो कुर्सी है वो मेरा पट्टा है, मैं 15 साल था वहाँ पर है, और मेरे वहाँ पे रुमाल रखा हुआ है, तो आप हटा नहीं सकते, ऐसा तो नहीं होगा। मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी भूल गए हैं कि अब सत्ता उनकी नहीं है, नियम कायदे उनके हिसाब से नहीं बनेंगे, नियम कायदे उनके दबाव के हिसाब से अधिकारी नहीं बदलेंगे, वो अधिकारी के ऊपर जाकर किस तरीके का प्रेशर दे रहे हैं, अधिकारी उनको किस तरीके से जवाब दे पाया नहीं दे पाया ये तो अधिकारी बताएंगे, उसका तो जवाब हम नहीं दे सकते हैं। सवाल इस बात का है कि तारीखों की यदि मैं बात करूं तो 3 तारीख को विकास जी का आवेदन है और 5 तारीख को पूर्व मंत्री जी का आवेदन है, तो आप जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी है। ठीक, पहले आवेदन किसका आया है? अब यदि पहले आवेदन आ गया है, पहले आवेदन आ गया है और उसमें उनको मिल गई अनुमति, तो फिर आप ये बवाल मचा क्यों रहे हैं? ठीक है राजेश, पब्लिसिटी के लिए जवाब दे लेते हैं, किसी तरीके से पेपर में मीडिया में जगह मिल जाए, ठीक, आपके बारे में चर्चा छप जाए, लोग दो बातें कर सके। किरण मई नायक जी, हम मूरत जी से पूछ रहे थे, क्या मूरत जी जिस तरह से किरण मई नायक जी भी कह रही हैं, आपकी भी बात ये है, क्योंकि वाकई में ये जो धार्मिक आयोजन है इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्या कोई वाकई में ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता कि आप दोनों ही पार्टी एक नजीर पेश करें, दोनों ही एक मंच से, जितने भी तमाम लोग झांकियां निकाल रहे हैं जिनको पुरस्कृत करना चाहिए, दोनों ही एक मंच से उनका स्वागत करें, ये भी तो नजीर पेश की जा सकती है। राजनीतिक चश्मे से ना देखिए इन चीजों को, दोनों ही आधा आप चलिए आधा ये चलेंगे, एक मंच को साझा कीजिए आप दोनों, क्या ऐसा हो सकता है? पहले सब कुछ हो सकता है, पहले इस बात को समझ ले। किरण जी बहुत कुछ बोलती है, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से उम्र में बड़ी दीदी है, जिन शब्दों का प्रयोग राजनीति के अंदर सूचिता और मेरे शहर के अंदर राजनीति कर रहा दबाववश क्या है, आप भी महापौर रही है, मेरे अधीन भी रही है, मैं जानता हूँ सब, ज्यादा इन सब चीजों पर डिबेट नहीं करना चाहता। अगर मैंने एडीएम के परमिशन दी और एडीएम अगर ये बोल दे कि हमने परमिशन दी, आज इस बात को कलेक्टर ने स्वयं ने स्वीकार किया, कलेक्टर ने बोला कि हाँ आपकी एडीएम की यहाँ परमिशन थी, उन्होंने एसपी ऑफिस में दे दी होगी, मैंने कहा सर, फिर कलेक्टर ने कहा चलो इधर उधर इससे हम दोनों लगा लें, हमारे सैद्धांतिक सहमति दी हमने कोई तकलीफ नहीं, इधर ये लगा इधर हम लगा लेंगे, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर 3 बजे राजनीतिकरण, 3 दिन से पेपर में छप रहा हमें मालूम है राजनीतिक, हम कोई मुगालते में नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में काम किया है,
हमें कोई अफसोस नहीं, आज विपक्ष के अंदर विपक्ष की भूमिका करेंगे। आप अभी अभी आए हो, जुमे जुमे एक साल हुआ है, लेकिन ऐसा मत कहो कि हमें अनुभव नहीं। आपको अनुभव, आपको बहुत अच्छा अनुभव है, आप अकेले आप सम्माननीय है, लेकिन मेरा इतना निवेदन है कि कुछ चीजों को समझ लें। हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, हम राजनीति में बांटना नहीं चाहते। आप भी भगवान का सम्मान करती है, मैं भी भगवान का सम्मान करते हैं, वहां पर निकलने वाले छत्तीसगढ़ की जनता को। और अगर राजनीति करना हो तो मैं आपको उदाहरण और दे सकता हूं, मैंने WRS का दशहरा उत्सव छोड़ा है, ठीक, वहां कोई राजनीतिकरण नहीं किया। वहां पर घटनाक्रम के बाद में विषय आया, मैंने कहा नहीं, जिसकी इच्छा करे वो कार्यक्रम, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उसका वो नहीं कर सकते। आज भी हम यह कह रहे हैं हमें राजनीति नहीं करना है, ठीक, ना राजनीति करने की इच्छा। आप स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, छत्तीसगढ़ की जनता करिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आईना मत दिखाओ, आईने में अपना चेहरा भी दिखता है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में आईने की राजनीति बहुत ज्यादा होती है, प्रचारों में भी हमने आईने की राजनीति देखी है। बाबूलाल शर्मा जी, आप, क्योंकि वक्त बेहद कम बचा हुआ है, क्या दोनों ही पार्टियां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मंच पे आके एक नजीर पेश नहीं कर सकते? एक नई राजनीति को नहीं जन्म दिया जा सकता कि एक मंच को साझा किया जाए और एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे किया जाए? देखिए, मैं राजेश मुनि जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बड़े खुले दिल के मंत्री रहे हैं और बड़े बिंदास व्यक्ति हैं, और मैं इनकी पहचान जो है इससे बड़ी मानता हूँ। मुणत जी की पहचान है दशहरा का भेजा राजन WRS कॉलोनी में, उसका उतना भव्य आयोजन जो है वो देखने के लिए लोग पूरा शहर उमड़ता है, उससे इनकी पहचान ज्यादा है। वहाँ पर इस बार जो है वो विकास उपाध्याय और कुलदीप दशहरा करने वाले हैं, तो ये परंपराएं टूटती हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा दिल में चोट जरूर लगता है, मन में हमको भी खराब लग रहा है कि मुणत जी वहाँ आज WRS कॉलोनी में रावण का आयोजन जो होगा, दशहरे का आयोजन होगा, उसमें प्रमुख नहीं है। हमारे भी दिल में दर्द है, क्योंकि हमने 15 साल उनको देखा सकते। अब एक मिनट बाबूलाल जी, आप जो बोले मेरे मन में कोई चोट नहीं है। मैंने स्वेच्छा से WRS का नेशनल क्लब के लोग मेरे पास आए, उन सब ने कहा आप दशहरा मनाओ, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। पिछले साल की जो घटनाक्रम घटने के बाद रेलवे ने जो मना किया, मैं बोलूँ उसका सम्मान करूंगा और मैं नहीं इस दशहरा को करूंगा। कोई बड़ी बात नहीं थी कि दशहरा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं था, ये बात तो बड़प्पन है, मैं उसमें राजनीति नहीं कर रहा। आप यहाँ अगर पहले सबसे मंच सबसे पहला मैंने राजनीति की बात नहीं की, मैंने कहीं भी मैंने आपके ऊपर राजनीति करने का आरोप नहीं लगा, आरोप प्रणव नायक की तरफ से है। मैं तो आपके बड़े दिल की बात कर रहा हूँ, मैंने पहला लाइन कहा कि आप बड़े दिल के मंत्री रहे हैं, ये मैंने पहला लाइन कहा, और मैं आगे इसी पर जा रहा हूँ कि आप जो है बड़े दिल के मंत्री हैं, रहे हुए हैं। हेलो, मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ कि आप बड़े दिल के मंत्री रहे हुए हैं, इन छोटी बातों में उलझने से कोई मजा नहीं आ रहा है, जनता के बीच में एक अच्छी बात नहीं जा रही। मैं जनता के बीच में सुन रहा हूँ, इसलिए मुझे भी बुरा लग रहा है। देखिए, मंत्रियों के लिए वो जगह आरक्षित रहती है, आप खुद स्वीकार करें कि वहाँ मंत्री आते थे, मंत्री आते थे वहाँ उस मंच में, तो आज मंत्री कांग्रेस के, उनको आने दीजिए, बड़ा दिल कीजिए, सद्भावना अच्छी बनी रहे शहर की, कि आप भी चाहेंगे मैं भी चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। सौहार्द बना रहना चाहिए, चाहे त्योहार कोई भी हो, सौहार्द बना रहना चाहिए। किरणमयी नायक जी, आप सत्ता में हैं, राजेश मूनत जी अब विपक्ष में, क्योंकि कल तक वो सत्ता में थे, हम तो यही चाहेंगे कि कुछ कदम आप चलिए, कुछ कदम राजेश मूनत जी चलेंगे, दोनों ही पार्टियां जब एक मंच पे आके मंच को साझा करेंगी, तो जो मैसेज आप जनता को कन्वे करेंगे शायद वो एक नजीर होगी सबके लिए। बहुत शुक्रिया किरणमयी नायक जी, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुई। बाबूलाल शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। राजेश मूनत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो शनिवार को रायपुर के प्रमुख स्थानों से होकर गणेश विसर्जन की झांकियां निकलेंगी, लेकिन झांकी निकलने से पहले ही विवाद शुरू हो गया। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि ये विवाद कितना थमता है और कौन इसको कितना ठहराव देता है। बहरहाल, हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, तो बने रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस के साथ।